नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे सरकार द्वारा किए गए खर्च को। सरकारी जो खर्च होता है उसे दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है राजस्व खर्च और दूसरा पूंजीगत खर्च। आइए जानने की कोशिश करते हैं राजस्व खर्च को। राजस्व खर्च ऐसे खर्च होते हैं जिन्हें खर्च करने पर न तो सरकार की संपत्तियों का निर्माण होता है और न ही सरकार की देयताएँ कम होती हैं। ऐसे अगर इन खर्चों को देखा जाए तो इसमें ब्याज का भुगतान, यानी ये जो ब्याज का भुगतान है ये ऋण का भुगतान नहीं है, यानी जो सरकार ने ऋण लिया है वह इससे कम नहीं होगा, यह सिर्फ ब्याज का भुगतान है। और जो सरकार कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देती है यह भी राजस्व खर्च है, क्योंकि इस खर्च से भी न तो सरकार की संपत्तियों का निर्माण हो रहा है। यह एक तरफा खर्च है जिससे सरकार को बदले में कुछ नहीं मिलता। और जो सरकार दान देती है वह भी राजस्व खर्च है। इसके अलावा सब्सिडीज़ और किसानों की ऋण माफ़ी, ये चीज़ें करती है, ये एक राजस्व खर्च है, क्योंकि इन खर्चों से सरकार की संपत्तियों का निर्माण नहीं होता। और जो दूसरा खर्च होता है वो होता है पूंजीगत खर्च। पूंजीगत खर्च ऐसे खर्च होते हैं जिनसे सरकार की संपत्तियों का निर्माण होता है और सरकार की देयताएँ कम होती हैं। जैसे सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण करती है सरकार, जैसे कोई मेट्रो परियोजना, एयरपोर्ट आदि बनाती है, तो इन पे जो खर्च होता है उससे ये सरकार की संपत्तियों का निर्माण हो रहा है। और जो ऋणों का पुनर्भुगतान करती है, यानी जो सरकार ने पहले ऋण लिए होंगे अगर वह उन्हें वापस चुका रही है, तो यह भी एक पूंजीगत खर्च है, क्योंकि इससे जो सरकार की देयताएँ थी, लाइबिलिटीज़ थी, वो कम हो रही हैं। और जो पूंजीगत खर्च में तीसरा खर्च है वो है विदेशी सरकारों को अथवा राज्य सरकारों को जो ऋण देती है उन्हें, यह भी पूंजीगत खर्च होता है, क्योंकि यह भी उसकी संपत्तियां हैं जो उनके पास रखी हुई हैं, बाद में वह उन्हें ले सकती है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह के हमारे और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।